हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाली तहसील के गुड़ा कल्याण सिंह गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। हत्या के आरोपी को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहसील बाली के गुड़ा कल्याण सिंह पीड़ित परिवार सहित गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुँच पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेलाराम पुत्र पकाराम बताया कि बाली तहसील के लताड़ा गांव पंचायत के उप सरपंच मोहनलाल चौधरी द्वारा परिवार गांव में ही अभी शराब कारोबारी व अभी नॉनवेज होटल चलाने वाले आरोपी नरेंद्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी सादड़ी के विरुद्ध शिकायत श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय बाली को दी थी, जिस शिकायत को सादड़ी थाने में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह द्वारा अपने सगे मामा उत्तम सिंह के पुत्र नरेंद्र सिंह को बताया, जिसे नरेंद्र सिंह नाराज होते हुए मोहनलाल चौधरी से रंजिश रखने लगा और जिसके चलते 17 अप्रैल रात्रि को नरेंद्र सिंह ने मोहनलाल के चचेरे भाई कृष्णराम को कहा कि मैं आज मोहनलाल को जान से मार दूंगा क्योंकि उसने मेरी शिकायत थाने में की है, जो कि इस पूरे बातचीत की रिकॉर्डिंग मोबाइल में सेव है और ये रिकॉर्डिंग थाने में भी सौंप दी गई। इस पूरे मामले को 3 महीने से भी ज्यादा समय होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हम सभी की मांग है कि आप द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का आदेश अनुसंधान अधिकारी को फरमाए तथा अनुसंधान किसी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच की जाए ताकि वो शीघ्र से शीघ्र जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर सके। साथ ही इसकी कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी कर, हमारी मांगे पूरी कर, न्याय दिलाओ भाई, न्याय दिलाओ, वोट दो, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ भाई, न्याय दिलाओ, वोट दो, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ भाई, न्याय दिलाओ, वोट दो, न्याय दिलाओ। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए चलाराम चौधरी मृतक का परिजन, इन्होंने ये कहा। क्या मामला है? 16 तारीख को मेरे भाई ने एसटीएम को शिकायत की थी कि अवैध दारू का धंधा करता है नरेंद्र सिंह। उसने 17 तारीख को फ़ोन करके बोला मेरे ससुर भाई को कि तेरे भाई को आज मैं उप सरपंच की हत्या कर दूंगा। तब उसने रात को 8 बजे पता चला कि उसने हत्या कर दी, तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी मांग है कि न्याय चाहिए मेरे। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।